गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। द नेम ऑफ माय चैनल इज कलाशाला। आई एम आरती कोहली, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर इन आर्मी पब्लिक स्कूल जम्मू कैंट। एज वी आर स्टक इन अवर होम्स इन दिस पेंडेमिक सिचुएशन, अवर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन हैज आस्क अस टू मेक अवर ओन यूट्यूब चैनल्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट्स। सो हेयर इन माय चैनल वी आर गोइंग टू डू different types of art and craft activities. Students, art and craft is the best source of our entertainment that indeed enhance our creativity. So today I am going to show you how we can make a beautiful wall hanging with simple things which are easily available in our disposals. So look at here. Now we are going to make this activity. If you like my video, please like, share and subscribe my channel. तो students, ये activity करने के लिए, ये wall hanging बनाने के लिए हमें सबसे पहले cardboard चाहिए। कोई भी cardboard आप ले सकते हो, घर में जो contain cartons होते हैं उनमें से भी आप काट के ले सकते हो। ये जो है ये यहाँ से इसकी चौड़ाई जो है वो है 8 सेंटीमीटर और ये जो है ये है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके हमें 6 या 8 या 10 इतने पीसेस चाहिए। जितने भी मैसेजेस आपने लिखने हैं उतने हमें पीसेस चाहिए। ये देखो, इसको मैंने इस तरह से जोड़ा है और फिर उसके लिए हमें चार्ट पेपर चाहिए, उसको मैंने इस तरह से जोड़ा है, ये देखो ऐसे, और फिर इसको हमने इस तरह से कटिंग करी है। ये देखो, मैं आपको बना करके दिखाऊंगी। इसको हम पहले इस तरह से, इसकी बाहर से हम इसके एज इस तरह से बना लेंगे। हमने इसको थोड़ी सी नेचुरल लुक देनी है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं कट करना, इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, ये देखो, अब हम इसकी कटिंग करेंगे, ये देखो, ये देखो, ये मैंने पहले से ही इसको जोड़ के रखा था। देखा, ये देखो, ठीक है, ये देखो, ये मैंने इतने इसके पीसेस हमने कट कर लिए हैं, ये ठीक है, ये देखो। अब हम इनको कलर करेंगे, ठीक है, अब हम इनको कलर करेंगे। ऑकर येलो, ये है लेमन येलो, ये है ब्लैक कलर और ये है ब्राउन कलर। अब हम इसको कलर करेंगे, ये देखो। और ये कोई जरूरी नहीं है कि आपने इन्हीं कलर्स के साथ इसको बनाना है, आप अपनी मर्जी से जो आपका दिल करे, जो भी आप कलर करना चाहो आप वैसे बना सकते हो। आप हर एक ये जो है स्ट्रिप है इसको अलग अलग कलर से भी कर सकते हो, एक रेड, एक येलो, एक ब्लू, एक ग्रीन, एक ऑरेंज, ऐसे भी बना सकते हो और एक कलर में भी बना सकते हो, या फिर आपने अपने रूम के अकॉर्डिंग जहां पर आपने इसको टांगना है उसके अकॉर्डिंग भी आप, उसके कलर स्कीम के अकॉर्डिंग भी आप अपना ये कलर सेट कर सकते हो। लेकिन मुझे अभी इस समय आपको ये थोड़ा सा नेचुरल लुक वाला कलर बनाना है तो मैं ये वाले कलर यूज कर रही हूँ।
जब भी हम कहीं पर कुछ भी कलर करें तो जब हम कलर मिक्सिंग करके कलर करते हैं तो वो थोड़ा सा उसका नेचुरल सा लुक आता है, कलर की शेडिंग करके ही कलर करना है हमने, चाहे कोई भी कलर करें। Let it dry for a moment. ये देखो ये कैसा एक्सप्रेशन आ गया इसका। हमें इसी तरह से कलर करना है और इसी तरह से हमने उतनी ही स्ट्रिप्स हमने बनानी है जितनी हमें चाहिए। हम 6 भी बना सकते हैं, 8 भी बना सकते हैं, 10 भी बना सकते हैं, जितनी हमें चाहिए है। अब हम इसको थोड़ी देर सूखने के लिए रखेंगे, इतनी देर में हम दूसरी स्ट्रिप्स तैयार कर लेंगे। अब ये देखो ये मैंने सारी स्ट्रिप्स पे लिख लिया है। ये क्या लिखा है मैंने ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ये देखो वेलकम टू अवर मैसी सम टाइम फन लविंग फुल ऑफ लव केयरिंग होम। अब हम इन सबको अरेंज करेंगे, ठीक है। ये देखो ये मैंने रोप ली है। आपके पास ये वाली रोप है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप इसकी जगह रिबन भी यूज कर सकते हो, और कोई और डोरी वो भी नहीं है तो वूल है घर में तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। ये देखो अब हम इसको लगाएंगे कैसे। ये देखो बेटा, ये देखो मेरे पास ये है ग्लूगन है तो मैं ग्लूगन को यूज कर रही हूँ। अगर नहीं है तो आप इसमें फेविकोल लगाओगे, यहाँ पर इधर यहाँ पर लगाओगे फेविकोल दोनों जगह, और इसको हम इस तरह से पेस्ट करेंगे। और फिर जब ये इसके साथ हम पेस्ट कर लेंगे तो बैक साइड में हम इसके फिर टेप से इसको जोड़ेंगे ताकि वो बैक साइड पे फिर हम इसको इस तरह से रख के फेविकोल से जोड़ेंगे, ऐसे ऐसे फेविकोल से जोड़ेंगे और फिर ऊपर से हम इसके टेप लगा देंगे। लेकिन मेरे पास ग्लूगन है, इससे जल्दी काम हो जाता है तो मैं इसी के साथ करूंगी। तो सबसे पहले हम इनको अरेंज कर लेते हैं कि सबसे पहला वर्ड कौन सा आना है। सबसे पहले आएगा वेलकम, वेलकम टू अवर, ऐसे रखेंगे वेलकम टू अवर सम टाइम मैसी फन लविंग फुल ऑफ लव केयरिंग होम। ठीक है, अब हम इनको उल्टा करके रख देते हैं, ऐसे रखा इसको हमने।
ये मैंने लिया, वेलकम। अब ये ध्यान रखना है हमने कि ये हमारा उल्टा ना आ जाए, क्योंकि हम ऐसे जोड़ेंगे अगर तो ये वेलकम हमारा उल्टा हो जाएगा, तो हमने देख करके इसको काम करना है। इसको हम नीचे रखेंगे और इसको ऊपर, इधर और इधर, देखो ध्यान से। तो ये हमारा ये वॉल हैंगिंग अब तैयार है, ये देखो। अब ये हमारा वॉल हैंगिंग तैयार है। अगर आपको मेरी ये एक्टिविटी पसंद आई तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।